सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे दो इत्र के बारे में जो लग्जरी प्लस की तरफ से आता है। लग्जरी प्लस इत्र के बारे में बहुत बार चुके हैं मेरे चैनल पर, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी थोड़े बहुत वीडियोस रिलीज कर चुका हूँ। कुछ इस तरह दिखता है इनका प्रेजेंटेशन, बहुत ही शानदार, डिसेंट प्राइस के हिसाब से बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इनका जो भी 6ml होते हैं 300 से 350 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। अगर इंटरेस्टेड है तो वेबसाइट डिटेल्स में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे आप चेक कर सकते हैं। उनका पहले भी मैंने बहुत तारीफ किया था कुछ इत्र के बारे में जो बहुत ही बढ़िया लगता है, ऊद सफा और ऊद मरवा। अगर आपको मिडल ईस्टर्न ब्लेंड्स पसंद है तो वो दोनों जरूर आपको ट्राई करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे दो नए रिलीज, उनमें से एक बहुत ही बढ़िया है जिसका नाम है शनाया। ठीक है, ये भी आपको 350 के अंदर ही मिल जाएगा, शनाया नाम से 6ml का। ये एक वुडी स्वीट फ्रेग्रेंस है, यूनिक जरूर है, क्योंकि मुझे ये सुन के मुझे कोई भी क्लोन जैसा तो लगा नहीं। थोड़ा बहुत कुछ कुछ फ्रेग्रेंसेस का याद आपको जरूर दिलाएगा, कंप्लीटली यूनिक तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन ये स्ट्रेट थ्रू क्लोन किसी का भी नहीं लगा मुझे। तो शुरुआत में आपको हल्का सा गुलाब का महसूस होगा, थोड़ा सा कॉफी नोट, ग्वायक वुड, कॉफी इतना एविडेंट नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो कैफे इंटेंस जो आता है मोंटाल, या हाँ मोंटाल का जो भी क्लोन्स होते हैं कैफे इंटेंस, उसका थोड़ा सा हल्का सा मुझे कॉफी वाला नोट महसूस हुआ, लेकिन उतना एविडेंट नहीं है। तो कॉफी शायद ना भी हो, लेकिन वो थोड़ा सा स्वीट वुडी अकॉर्ड की वजह से मुझे कॉफी का फील देता है, लेकिन एक्चुअली ये एक स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस है। तो शुरुआत में आपको हल्का सा गुलाब और स्वीट वुडी यानी कि ग्वायक वुड जो स्वीटनेस के साथ जब आता है तो वो वाला फील देता है। तो शुरुआत में आपको वही महसूस होगा और हल्का सा गुलाब और सैफरन। ड्राई डाउन जाते ही यानी कि डेढ़ ढाई घंटे के बाद आपको वेटिवर, पचूली, थोड़ा सा इंसेंसी फील भी है, थोड़ा मिडिल ईस्टर्न की तरफ जाता है ये, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किए हैं, एकदम हार्ड कोर मिडिल ईस्टर्न बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम स्मूथ स्वीट वुडी और इंसेंसी टाइप। तो एकदम स्वीट फ्रेग्रेंस मत समझना इसको, वो स्मोकीनेस, इंसेंस, मिर, लुबान जो बोलते हैं, उसका एक हल्का सा मिठास आपको महसूस होगा और ग्वायक वुड के साथ। तो एक वुडी स्वीट, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वुडी स्वीट फ्रेग्रेंस है। अगर आपको ऐसे फ्रेग्रेंस पसंद है तो जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड किए हैं प्राइसिंग के हिसाब से, और ऐसे फ्रेग्रेंस आउटडोर्स के लिए शाम के टाइम बहुत बढ़िया चलता है। तो अगर आप ऐसे फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं तो ये जरूर ट्राई करना चाहिए। प्रोजेक्शन इसका 3 से 4 घंटे तक महसूस हुआ था और लास्टिंग मुझे 14 से 15 घंटे तक महसूस हुआ था। शनाया नाम है, याद रखिए, वेबसाइट डिटेल्स में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए दूसरे इत्र पे जाते हैं जिसका नाम है मस्क रोज। ये एक कॉमन सा ब्लेंड है, मस्क रोज बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, अजमल में भी एक मस्क रोज है जिसका मैंने रिव्यू बहुत साल पहले किया था, और रिसेंटली भी मैंने कुछ फ्रेग्रेंस के साथ कंपेयर भी किया था। अगर इसको अजमल का मस्क रोज के साथ अगर कंपेयर करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा लाउड और प्रोजेक्टिंग और लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। अजमल का जो मस्क रोज है बहुत ही स्मूथ, रिफाइंड है, यहाँ पे थोड़ा सिंथेटिक फील ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस से मतलब है तो ये वाला ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन और लास्टिंग है, अजमल इसका नज़दीक भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अजमल का प्रोजेक्शन बहुत ही लाइट, बहुत ही स्मूथ, रिफाइंड, ये थोड़ा सा सिंथेटिक है। मुझे नज़दीक से जब मैं सूंघता हूँ तो मुझे अजमल ही पसंद आता है, क्योंकि वो बहुत रिफाइंड है, लेकिन कुछ लोगों को स्मूथनेस, रिफाइनमेंट से मतलब नहीं होता है, तो सिर्फ प्रोजेक्शन और लास्टिंग से मतलब रखते हैं, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है आपको 3 घंटे तक एविडेंट रहेगा और लास्टिंग 11 से 12 घंटे तक आराम से टिका था स्किन पर। 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन बहुत एविडेंट था। अजमल का जो मस्क रोज है मुझे उतना एविडेंट नहीं लगता है, 1.5 घंटे तक महसूस होता है प्रोजेक्शन, उसके बाद एकदम स्किन सेंट, लेकिन यहाँ पे बहुत एविडेंट है। और ये वाला फ्रेग्रेंस आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप समर में एक मस्की फ्रेग्रेंस तो हल्का सा रोज़ के साथ अगर ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके का ब्लेंड समर में जब पसीना छूटता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होके निकलता है। तो ऐसे फ्रेग्रेंस से आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है, तो एकदम हाई हीट यानी कि बहुत ही धूप जगह पे अगर आप रहते हैं तो ऐसे मस्क और हल्का सा रोज वाला फ्रेग्रेंस आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। ये भी आपको
300-350 के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये हुआ एक समर फ्रेग्रेंस, ये हुआ शनाया जो एक विंटर फ्रेग्रेंस है। तो चलिए ये दो इनका नया रिलीज है। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी ट्राई किए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा ये दो इतर। तो जुड़े रहिए चैनल पर, फिर मिलते हैं। बहुत सारे इतर्स है लग्जरी प्लस, कम से कम 20 नए रिलीज है। मैं अभी भी टेस्ट नहीं किया हूँ, टेस्ट करते ही मैं आपको रिव्यू भी जल्द से जल्द रिलीज कर दूंगा। तो चलिए जुड़े रहिए चैनल पर, मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।